तो नानी से पहले आप एक पहेली सुना दो यार। Hey guys, welcome back to our new vlog. So guys, कैसे हो आप सब? I hope आप सब बढ़िया होंगे. तो guys, आज मैं नाइट वाला व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ. तो ये नाइट व्लॉग है स्पेशली. तो अभी जस्ट मेरा ट्यूशन खत्म हुआ है. देखो सीन ऐसा हुआ था कि माँ जी हो गई थी नाराज. तो जब मैंने माँ जी को नाराजगी की वजह पूछी तो माँ जी बोल रही कि तुम अपने चैनल में इतनी मतलब मेहनत कर रहे हो, ग्रोथ तब भी तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो रही और स्लोली स्लोली वाला सिस्टम हो रहा है, जुगाना नहीं है. तो उस टाइप से तो मैंने माँ जी को बोला. माँ जी बोल रही थी कि उसके साथ साथ डिस्टर्बेंस भी हो रहा पढ़ाई में क्योंकि मेरे 10 के बोर्ड्स है, ये है वो है वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें बोली. तो मैंने माँ जी को बोला कि माँ जी मैंने शेड्यूल मतलब टाइम टेबल समझ लो आप वो बना रखा है जिसके हिसाब से मैं मतलब अपना कवर कर देता हूँ कि किस टाइम में मैंने क्या करना है. तो इस हिसाब से आधा एक घंटा कम से कम शूट करने में लगता है ब्लॉग को अगर एक टाइम में बनाऊँ तो, और आधा एक घंटा अप्रॉक्स एडिटिंग में लगता है, किसी को ज़्यादा भी लग जाता है लेकिन वो डिपेंड होता है कि वीडियो की लेंथ कितनी है. माँ जी ने एक शर्त रखी थी कि अगर तेरे ना कि 2 से 3 महीने में या फिर 1 से 2 महीने बोला था, तो 1 से 2 महीने में अगर तुम्हारे 1K हो जाएंगे तो तब तुम वीडियोस डालते रहना, तब मुझे कोई वो नहीं है. तो गाइस, तो मैं ये भी नहीं समझता था पहले कि मैं 300 सब्सक्राइबर्स को भी डिजर्व करता था, लेकिन आपके प्यार ने मुझे 300 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करा दिए मेरे. तो धीरे धीरे आपका प्यार बढ़ता जाएगा, मैं यही चाहता हूँ. और मुझे वैसे तो मैं बताऊँ तो बेसिकली मुझे रेगुलर पोस्ट डालना अच्छा लगता है, रेगुलर वीडियोस अपलोड करो क्योंकि मुझे लगता है ना कि अब मैं भी चाहता हूँ कि मैं लोग मुझे देखे, मैं भी लोगों के साथ जुड़ा रहूँ, थोड़ा सोशल हूँ क्योंकि इंसान का नाम ही सोशल एनिमल है, सही हिंदी में नहीं बोलते सामाजिक जानवर. तो उस टाइप का इंसान बनना चाहता हूँ मैं. उतना खेलने में मज़ा नहीं आता जितना वीडियोज़ शूट करने में मज़ा आता है, आपके साथ बातचीत करने में आता है, मतलब कैमरा उठाओ और बातचीत करते रहो बस, ये था. अब पहले मैं उतना बोल भी नहीं पाता था, लेकिन गाइस एक ये भी चीज़ है कि आपका मुंह भी खुल जाएगा अगर कोई बहुत शर्माता होगा. पहले मैं ढंग से बोल भी ना था, मतलब बोलता तो था लेकिन उतने बोलने के लिए वर्ड्स नहीं आते थे मुँह में, क्या बोलूँ क्या बोलूँ किस चीज़ में क्या बोलूँ. लेकिन तब धीरे धीरे आदत सी होने लग गई यूट्यूब के साथ साथ. मैंने सोचा कि मैं जो अपने इन्वेंशन वगैरह करूँगा उसकी वीडियोज़ भी दिखाऊँगा आपको, मतलब दिखाऊँगा कि कैसे हाउ टू मेक दिस, हफ्ते में आपको एक वीडियो उसकी दिख जाएगी. तो धीरे धीरे मैं सेटअप करूँगा, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. तो मैं एक ग्रीन स्क्रीन वगैरह लगाऊँगा, थोड़ा बहुत 2-4 सॉफ्टवेयर आ जाती है आई थिंक, हाँ, तो उससे बैकग्राउंड चेंज करूँगा, थोड़ा अच्छा लगता है ना क्योंकि तब क्योंकि यूट्यूबर बनना है तो अच्छे से बनो. और गाइस बात रही स्कूल की, तो स्कूल मेरे कल खुल रहे हैं 3 अगस्त को, क्योंकि कल रात को ही नोटिफिकेशन आया था उनका कि अब खुल रहे हैं स्कूल, तो अब सीधा जाना ही पड़ेगा 3 तारीख को. मुझे बहुत मज़ा आता है अब मतलब अपलोड करने में भी, और थोड़ा अच्छा लगता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, टाइटल रखना, थंबनेल रखना, बहुत कुछ. तो बहुत आपका प्यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पता है क्योंकि मुझे भरोसा है आप पे कि आपका प्यार मुझे 1K तक पहुँचाएगा, धीरे धीरे बढ़ाते रहेगा और हमारा जो कम्युनिटी है बढ़ती जाएगी. मुझे इसी का इंतज़ार है कि कब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ मिले एक दूसरे से जुड़े रहेंगे. तो बहुत अच्छा लगता है ना कि आपसे कोई जुड़ा है, क्योंकि उतने दोस्त के साथ मज़ा नहीं आता जितना यूट्यूब में शूट करते हुए आता. और पहले पहले पता क्या होता था कि मैं मार्केट में जाता था, मार्केट में शूट करने से भी शर्माता था, वीडियो ब्लॉग शूट कर रहा हूँ बहुत लोग देख रहे हैं, आगे से देख रहे हैं पीछे से देख रहे हैं, लेकिन अब मुझे कोई वो नहीं मिला, हेजिटेशन वगैरह कुछ होती नहीं है इस बात में. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आगे से देखो तो और अजीब से मतलब अच्छा मोटिवेशन मिलता है उनसे कि मैं किसी के सामने ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तो वो भी देख रहे हैं ऐसे ऐसे करके घूर घूर के. मतलब हमें धरती में इसलिए लाया गया कि हम हंसते रहें हमेशा, तो इसलिए हंसना चाहिए हमेशा, ऐसा करना चाहिए. तो गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब में रेगुलर वीडियोज अपलोड करता रहूँ तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो, और आपको प्यार मुझे पता है कि 1K तक पहुंचा देगा. जैसे अब ये बातें ना करते हुए अब सीधा मैं वो करता हूँ जो मैं आपको दिखाऊंगा कल से. इसको देखो यहाँ काम करने में बिजी, स्कूल का काम गाइस ऐसे मिलता है हमें स्कूल का काम. हाँ देखो इनका सही सिस्टम है, ये पेज में लिख के मतलब ड्रॉप टाइप सिस्टम, ये हिंदी इंग्लिश सब साइंस सोशल. इनके अभी खोलने के लिए तो नहीं बोले लेकिन हमारी बहुत मजा आ गई, खुल गए हमारे स्कूल. तो सामान इसके अंदर छुप रखा है, ये देखो सब के साथ इसमें है और कुछ, ये देखो आधे क्रॉम्पटन वाला नहीं जो ये पेटी जैसा उसके अंदर भी है. देखो यार गाइस मैं बीच में रोबोट बनाने लग गया था लेकिन किसी ने मतलब गलती से किसी पानी गिर गया ना इसमें रोबोट में, पूरे बहुत सारे मतलब जितने भी सर्किट था पूरा जल गया, शॉर्ट सर्किट बाद फप एक बार आवाज आई जैसे फटने की आवाज़ ही ना थी कुछ, वैसे ही फटने की आवाज़ आई तो मुझे बहुत बुरा लगा. लेकिन मैं
आगे चल के मैं इसे और अच्छा बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। और ये देखो इसके अंदर भी सामान है, उसे मैं बाद में निकालूंगा, पहले आपको ये दिखा देता हूँ। तो देखो गाइस, ये था मेरा रोबोट जिसे मैंने अपना आधा ही बनाया। उसके बाद जब मैं सामान मंगाने वाला था तब तक तो लॉकडाउन लग गया और कहीं जाना पॉसिबल ना हुआ। और ये देखो ये सब चीज़, इसकी आँखें मुझे बहुत गजब की लगती थी जब ये ब्लिंक करती थी। ये देखो हाथ। और बात रही इनकी, तो ये इसके पैर थे, तो यार अच्छा नहीं लगता ना जब किसी चीज़ को मैं इतनी मेहनत से बनाऊँ और बाद में अलग अलग हो जाए। आप शेष बोलते हैं इन्हें। तो दिन की खीर बची थी तो इसलिए तो खाली लग रहा है ना, तो मैं खाने जाता हूँ। चलो वैसे आज आप बोल रहे होंगे कौन सा कमरा है, तो ये मेरे नानी के घर का ऊपर वाला कमरा है। तो मौसम अभी पूरा मतलब बारिश वाला हो रखा है, अभी हल्की हल्की हो गई, अभी तो बहुत तेज हो रही थी, तो मैं नीचे जाता हूँ। तो आज शाम को भी हम नानी के घर रहे, तो हमने सोचा कि रात को भी यही रह लें आज। तो चलो हम अंदर जाते हैं। यहाँ देखो तो नानी यहाँ पे देखो आटा गूंद रही है, तो नानी ने ऑलमोस्ट गूंद लिया आटा, और इसको तो कहीं भी पहुंच जाती है वे कर लिया अभी तो नहीं, नहीं जल्दी अपना काम। हाँ आराम से कर लिया, अभी फिर से जाऊंगी थोड़ा काम करने के लिए। तो माँ जी को देखो, माँ जी तो अपना प्याज काट रही है यार, देखो आंखों से पानी निकल रहा है ना। नानी आपने खीर बचा रखी मेरे लिए। तो वाह नानी के हाथ की। हाँ थोड़ी सी हाँ। कोई नहीं, थोड़ी सी में बहुत कुछ हो जाता है, एक कटोरी। तो नानी के हाथ की खीर मुझे बहुत पसंद है। तो इसमें दादा दादी तो है नहीं दुनिया में, तो वो मुझे नाना नानी बहुत अच्छे लगते हैं। नानी उससे पहले आप एक पहेली सुना दो यार। तो गाइस जो भी नानी सुनाएगी आपको कमेंट्स में उसका जवाब देना है। अगर आपको आता है तो कमेंट्स में प्लीज बताना, हम भी तो देखें आपको कितना आता है। अगर ना भी नहीं भी आता होगा तभी प्लीज करना। हाँ तो नानी बता। चांदी का बट्टा सोना का डो, चल वे बट्टा दिल का और बताओ इसका कमेंट्स। इतने छोटे में इतना दिमाग लगा दोगे गाइस मुझे लग रहा है। हाँ इसको उत्तर देना मुझे कि क्या है इसका मतलब उत्तर। हाँ तो नानी एक बार फिर से बोलो उस पहले को कि लोगों को एकदम ढंग से सुनाई दिया हमारे कस्टमर्स को। चांदी का बट्टा सोना का डो, चल वे बट्टा दिल का और। तो अगली वीडियो में नानी बताएगी और मुझे भी पता लग जाएगा अगली वीडियो में, ठीक है नानी? ठीक। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है नानी नाना के साथ वीडियो बनाने में। खीर देखो कितनी अच्छी रसीली खीर है, वाह बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। गाइस नाना आ चुके, नाना भी सो रखे थे। तो मैं वीर हूं। तो गाइस ये थी आज की छोटी सी वीडियो, तो अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन कॉल पर प्रेस करना, प्लस कमेंट्स भी करना प्लीज, और नानी की पहेली का जवाब जल्दी देना। और गाइस चलो आज के इतना था, मिलते हैं नए ब्लॉग में।